सेहत के लिए महंगाई में भी हरी सब्जियां खाते हैं, जिसका बोझ आम इंसान की जेब पर पड़ता है। लेकिन महंगे दामों पर सब्जियां खरीदने के बाद आपको पता चले कि तब भी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो क्या होगा? अभी तक आपने खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात सुनी और देखी होगी, लेकिन मिलावट खोरों ने अब हरी सब्जियों में भी जहर मिलाना शुरू कर दिया है। कानपुर देहात में खाद्य पदार्थों में मिलावट के बाद अब मिलावट खोर चंद पैसों के लालच में हरी सब्जियों में जहर घोल रहे हैं। आइए अब आप देखिए कि किस तरह से हरी सब्जियों के नाम पर इस हरे जहर को तैयार किया जा रहा है। पहले तो इन सब्जियों को गंदे पानी में धोया जाता है, और जब बात हरी सब्जियों की है तो भाई रंग भी जोरदार होना चाहिए। जहरीले हरे रंग के केमिकल को पानी में भरे बर्तन में घोला जाता है और फिर इन सब्जियों को उस हरे रंग के पानी में डाला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इन सब्जियों को केमिकल से बाहर निकाला जाता है और इन सब्जियों पर खिला हुआ हरा रंग चढ़ जाता है। फिर क्या, केमिकल से तैयार की गई इन हरी सब्जियों को दुकान में सजा कर रख दिया जाता है, जो ग्राहकों को बड़ी अच्छी लगती हैं और वो तुरंत इन्हें खरीद लेते हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी हो। मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि जिन सब्जियों के लिए वो मुंह मांगा दाम दे रहे हैं वो हरी सब्जियां असल में हरा जहर है, जिसका नतीजा होता है सेहत से खिलवाड़ और अलग अलग बड़ी बीमारियां। हालांकि लोगों की माने तो हरी सब्जी में मिलावट की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, इस बात का अंदाजा उन्हें भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मजबूरी में उनको खरीदना ही पड़ता है। ऐसे में लोग अपनी तरफ से ही असली और नकली सब्जियों की पहचान करने की कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन इस छलावे से बचना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन ये साफ है कि जिम्मेदारों की लापरवाह कार्यशैली ही एक वजह है कि ये मिलावटखोर बेखौफ होकर गोरख धंधा चला रहे हैं और लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, कानपुर देहात।